बड़े और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है चमकीला ब्रेवली स्टैंड अप फॉर हिज इक्वल शेयर फीचर्स दिलजीत दोसांझ अमर सिंह चमकीला। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेने से पहले वीडियो चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लेकर इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्योंकि बोल लिखे चमकीला तुन बनाए चमकीला साजिन ने क्या बजाना है वो भी वही बताए और जब पैसे लेने की बारी आए तो सारे के सारे आपके पेट के अंदर चले जाते हैं है ना जी कमीनेपन वाली बात भाई यार एक मिनट यार मगर नहीं कर रहे बाबूजी इतने क्यों भूखे हो आप कि खाड़ों की दिहाड़ी और दिहाड़ी से कहीं ज्यादा इनाम वो सारे के सारे भी आप ही हजम कर जाते हो क्योंकि मिलते वो इसकी वजह से हैं। ये सोनिया ये तो परसों से गा रही है आपके साथ है। कितने के नाम मिल गए इसको पूछो जरा तेरे खुद के मुंह में जबान नहीं है जो इस गधे से बुलवा रहा है बाबू जी असि कामरेड बंदे हैं बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इधर आ बोल नहीं वो बात सिर्फ इतनी है कि अगर वो दिहाड़ी के साथ हमें थोड़ा हिस्सा मिल जाता तो और अगर नहीं मिला तो मैं ना दूं हिस्सा तो क्या कर लेगा तू नहीं भाऊजी मैं यहाँ झगड़ा थोड़ा करने आया हूँ तू झगड़ा करेगा मुझसे सुना है मैंने साथ क्या बिठा लिया अपनी जात पुल गया तू तुझे क्या लगा हमारे बराबर का हो गया तू मैंने बनाया चमकीला मैंने और जब चाहूं खत्म भी कर सकता हूं इसलिए जो दे रहा हूं चुपचाप उठाता रहे वरना भुखा मरेगा तू और क्या रहा भूखा तो नहीं मरूंगा जमा रहा हूं पर भूखा नहीं मरूंगा मैं देखना तुझे दिखाऊं मैं दिखाओ निकल बाहर निकल निकल बाहर मेरे दफ्तर से चल भाई मैंने तो ये मूवी जो है वो देख ली हुई है इनके देखने वाली जो है भी रहती हुई है लेकिन भाई मैं कहता हूँ ये मूवी वाकई में जो है ना वर्थ करती है क्योंकि इसके बाद जो इनकी एक ज़िंदगी की स्ट्रगल शुरू होती है ना वो ना रुकने वाली जो है ना होती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को शायद जिंदगी में ना वो कहते हैं ना एक किक चाहिए होती है जिसके बाद वो रियलाइज करता है वो यहाँ से मिलती है बट मैं ये भी बोलूँगी कि ये हमारी सोसाइटी का ना अनफॉर्चुनेटली एक हिस्सा है हमारी सोसाइटी में मुझे लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ये होता है कि जो लोग यू नो अपनी पावर को मैनिपुलेट करते हैं और दूसरों का हिस्सा खाने का शौक रखते हैं एग्जैक्टली पता नहीं क्यों लोगों के बीच में मुझे नहीं समझ आती कि इतनी ग्रीड होती है कि वो किसी को खाता हुआ नहीं देख सकते असल में जो है ना क्योंकि इस सीन के तक की बात करें ना तो कुछ लोगों को ना अपनी जिंदगी में एक कह लेंगे भरम होता है कि भाई दूसरा बंदा जो है ना उनके बगैर कुछ है ये नहीं चल ही नहीं सकता वो जब चाहे एक चुटकी बजाए और वो बंदा जो है वो खत्म तो ये जो सीन है ना इस सीन में कुछ इसी तरह का दिखाया हुआ है क्योंकि इस सीन से पहले जो है ना जिस तरह उनके वो अखाड़े जो लग रहे होते हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और जो सामने लड़की बैठी है सोनिया उनके साथ उनकी अच्छी जोड़ी बन जाती है लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी कि जैसे मूवीज में भी वैसे अक्सर दिखाया जाता है और रियल लाइफ में भी देखे ना मुझे एक और चीज नहीं अच्छी लगती हमारे आप कह लो कि सिस्टम में लाइक जहाँ पर आप काम करते हो कि
महिलाओं को थोड़े पर्क्स ज्यादा मिलते हैं मुझे लगता है कि प्रोफेशनल फील्ड में चाहे वो कोई भी हो आपको जो काम कर रहे हैं उनका चाहे वो मेल है या फीमेल है आपको इक्वल उनके साथ ट्रीट करना चाहिए। हाँ होना तो इस तरह चाहिए लेकिन जो है ना आपको ये चीज देखने को वाकई यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों के साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी हो जाती है। बिल्कुल होता है ये चीज आपको जो है वो देखने को मिलती है लेकिन मजे की बात ये होती है नाइंसाफी करने वाले मर्द ही होते हैं। और तो एग्जैक्टली ये भी पॉइंट है और मतलब ये गलत बात है ना। और फिर उसके बाद अगर हम लोग पहले बात करेंगे जिस तरीके से चमकीला जी के फ्रेंड बात कर रहे थे ना मुझे वैसे बड़ा मजा आ रहा था उनकी बात सुनने को। कहते ना मिठी मिठी बेइज्जती कर देना लेकिन वो जो सामने जो एक पर्सन बैठे हुए थे अगर उनके एक्सप्रेशन की मैं बात करूँ ना उनके एक्सप्रेशन में कहूँगा कि जिस तरह एक बंदे को कहते हैं ना वो गुस्सा आता है तो वो एक उसके चेहरे के तासुरात होते हैं बड़े अजीब से हो जाते हैं वो सेम चीज उनको आपकी बॉडी लैंग्वेज में उनके चेहरे में जो है वो नजर आ रही थी और ना जाने क्यों मुझे एक दूर के रिश्तेदार की तरह भी लग रहे थे। मुझे भी लग रहे हैं और वो दुनिया में हयात नहीं है लेकिन मैं कहूंगी कि उनका करेक्टर इस तरह का बनाया हुआ है कि जो जो ऑर्गेनाइजर है मेरे हाल में वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहती बट बहुत ही बुरे लोग होते हैं ना जिस तरह के बहुत सेल्फिश टाइप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार ये वो है ना हमने जब इससे पहले वाला जो स्टार्टिंग में देखा था मुझे तो ये पेपर उठा के देखे जाओ जाके गाओ। एग्जैक्टली लेकिन ये कि दिलजीत दोसांझ सर के जो चेहरे के एक्सप्रेशन है वो कमाल के उनकी आंखों में जो एक इमोशन नजर आया स्पेशली मैं कहूंगी कि आप उस टाइम पर एक ट्विस्ट देखते हो जब मतलब वो गाली निकालते हैं ना तो उसके बाद तो कंप्लीट वो कहते हैं ना कि बंदे में हौसला आता है क्या कर लेगा। बिल्कुल वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा मूवी जरूर देखें। हाँ बिल्कुल मैं जरूर देखूंगी बस अभी आजकल थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है जब टाइम मिलेगा जैसे टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं जरूर देखूंगी ये मूवी। और बाकी भाई बहुत तारीफें सुनी है चमकीला की और आप में से किसी ने मूवी देखी है जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में और इसी के साथ।